अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार लेज जैसे चिप्स घर पर बनाकर तैयार करेंगे। चिप्स बनाने के लिए हम आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद उसका छिलका उतार लेंगे और इस तरह से बारीक कट कर लेंगे। ये मैंने पीलर की मदद से कट की हैं। कट करने के बाद हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको पानी में डिप करके रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद एक बोर्ड पर सारे आलू इस तरह से फैला लेंगे ताकि आलू का पानी खुश्क हो जाए। आलू के अंदर जितना भी पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा। आलू को इस तरह से फैलाने के बाद हम टिश्यू पेपर ले लेंगे और टिश्यू पेपर आलू के ऊपर रख लेंगे और उसको दबा लेंगे ताकि आलू का सारा पानी टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले और वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। आपने अच्छे से पानी खुश्क करना है, इसमें कोई भी पानी ना रहे। पानी नहीं होगा तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अब पानी खुश्क हो चुका, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब आलू पर हम 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर। अब हम इन सब चीज़ों को आलू में शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से आलू पर लगा लेंगे। अब ये सारे मसाले हम हाथ की मदद से आलू पर लगा लेंगे। अब एक बेकिंग ट्रे लेकर उस पर हम बटर पेपर रख लेंगे। उसके बाद हमने जो चिप्स तैयार किए हैं वो इस तरह से इस पर फैला लेंगे। आप चाहें तो इन्हें लाइट फ्लेम पर कुकिंग ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत ही लाइट से फ्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। मैं इसे ओवन में बेक कर लूँगी। ओवन में हम 15 मिनट के लिए 150 डिग्री पर रख कर बेक कर लेंगे। जब एक तरफ से बेक हो जाएंगे तो हम इसको दूसरी तरफ से भी बेक कर लेंगे। माशाल्लाह से व्यूवर्स देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।